आपके इस नो योर निगराइट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं एडवोकेट एससी कनौजिया, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि कोई आपसे जबरदस्ती स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेता है, आपकी साइन करा लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, और यदि स्टैम्प पेपर खरीदने के वक्त स्टैम्प पेपर पे कोई गलत नाम लिख गया है तो उसे कैसे करेक्ट करें, उसे कैसे सही करें, इन सभी के ऊपर हम आज बात करेंगे, आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आपसे कोई जबरदस्ती स्टैम्प पेपर, जो आप देख रहे हैं ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है या 20 रुपए का स्टैम्प पेपर है, हर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प पेपर की वैल्यू है, तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में उस स्टैम्प पेपर पे वो कितने का स्टैम्प पेपर है और उस स्टैम्प पेपर पे आपसे कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का या किसी और बड़े आदमी के सामने ले जा करके उसका फोर्सफुल समझौता कराया जाता है, तो ऐसे में यदि आप जबरदस्ती वो आपकी सिग्नेचर ले लेते हैं, सही ले लेते हैं उस स्टैम्प पेपर पे लिखने के बाद, और आपको मालूम नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर भी आपकी सिग्नेचर कर ली गई है, तो आपने इस दरमियान आपने क्या करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपका कोई भी सिग्नेचर या आपसे कोई प्रॉपर्टी जबरदस्ती लिखवा ली गई है और सही कर ली गई करवा ली गई है, तो आपने सही कर दिया तो उसके बाद में आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में, यानी आपके नजदीकी पुलिस थाना में जाकर के उसकी फौरन कंप्लेन लिखवानी है कि आपसे इन लोगों ने, उनके नाम लिखने हैं कि किन किन लोगों ने और किसके सामने आपकी सिग्नेचर ली गई है, आपको उसमें क्या लिखा है ये भी नहीं मालूम है, तो आपने प्रेशर में आकर के अपनी जान बचाने के लिए या जो भी है उस उद्देश्य को उस समय टालने के लिए आपने जो सही की है उसके खिलाफ आप कंप्लेन जो है पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, और अगर वो कंप्लेन देते हैं और देने के बाद आप उस चीज को जो है कोर्ट तक ले जा सकते हैं कि आपकी जिस पे सिग्नेचर ली गई है वह फोर्सफुल्ली सिग्नेचर ली गई है, जबरदस्ती सिग्नेचर ली गई है, आप नहीं करना चाह रहे थे फिर भी उन्होंने आपसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा ली है, तो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए और करके उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन आप ले सकते हैं उनके खिलाफ। यदि पुलिस स्टेशन में आपकी कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं तो आप उस कंप्लेन को बाय पोस्ट के द्वारा भेज के जो है, पहले पुलिस स्टेशन में आपको भेजना है उस कंप्लेन को सीनियर इंस्पेक्टर के नाम से, यदि सीनियर इंस्पेक्टर उस पर कोई कार्रवाई 15 दिन के अंदर नहीं करता है तो आप फिर उसी को, अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं, तो वहां का एक सुपरिंटेंडेंट होता है जिसे एसपी कहा जाता है, हर स्टेट में अलग अलग उन्हें नाम दिए गए हैं, तो वहां पे आप एक कंप्लेन कर सकते हैं 15 दिन के बाद। यदि वहां से भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपने नजदीकी कोर्ट में किसी वकील के माध्यम से आप वकील के पास जाइए और ये कंप्लेन बताइए, आपकी जो कंप्लेन है उसे बताइए, और उसके बाद में जो वकील साहब हैं वहां के वो आपका केस जो है उन लोगों के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन फाइल करके FIR लॉन्च करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। जैसे कि यदि आप स्टैम्प पेपर जब खरीदते हैं और वो स्टैम्प पेपर पे कोई गलती हो गई है, कोई गलत नाम लिख गया है, तो आप उसे कैसे करेक्ट करें, आप खुद नहीं करेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसमें कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं जिस नाम से आप खरीदना चाहते थे और जिस नाम से ले लिया है वो नाम से नहीं खरीदना चाहते थे, तो आपको जहां से आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है, जैसे आपने यदि स्टैम्प पेपर
किसी वेंडर से खरीदा है तो आपको वेंडर के पास जाना होगा, जो रजिस्टर में आपने गलत नाम लिखवाया है वहां पे आप दूसरा नाम जिस नाम से खरीदना चाहते थे वहां उनको बोलिए, एक एप्लीकेशन दीजिए कि हमें ये नाम से नहीं ये नाम से चाहिए, तब स्टैम्प वेंडर जो है वहां पे आपका जो नाम है वो सही नाम लिखेगा और वहां पे स्टैम्प मारेगा और सही करेगा कि उनके सामने ये नाम सही किया गया है, हालांकि आप कुछ उस पे नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप नाम चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई जबरदस्ती आपसे कोई आपकी जमीन आपसे कोई भी चीज लिखवा लेता है तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो कब नहीं है, जब आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे किसी पुलिस स्टेशन में कि आपसे जबरदस्ती लिखवाया गया था और वो हम लिखना नहीं चाहते थे इसलिए हम एक्शन ले रहे हैं, और तब उसकी वैधता नहीं रहेगी। यदि आपने उसको उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसे ही रहने दिया तो फिर वो गलत समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि आपको वो सारी चीजें मान्य थी जो उस स्टैम्प पेपर पे, जैसे कि मैंने बताया अभी साइड में कि ये जो स्टैम्प पेपर है इसमें जो मटेरियल लिखा है अगर उस पे कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मान्य होंगी कि आपको आप ये साइन करते वक्त जो भी इसमें लिखा है वो सारी चीजें आपको मान्य है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस तरह का इन्फॉर्मेशन देने के लिए जरूर शेयर करें। जो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वही आपके दोस्तों को भी इसकी आवश्यकता हो सकती है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं इसी तरह की वीडियोस आप बना बना कर आप तक पहुंचाता रहूं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।